नमस्कार, भारत समाचार स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राज्वल गौतम। आशियानों के सपनों पर कुंडली मारकर बैठे बिल्डर्स और प्राधिकरण की मिलीभगत का हम पर्दाफाश करते हैं। जमीन के हड़पखोरों और उनके पैसे पिशाच बिल्डर पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से फैले हैं जैसे बीहड़ के डाकुओं ने अपना पेशा बदल लिया हो। तो आपके घर बनाने के सपने पर डाका डालने वालों के खिलाफ हमने ये मुहिम शुरू की। निवेशकों के दर्द और बिल्डर्स की लूट का पर्दाफाश करने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है। आपको बता दें कि हुकूमत तक आपकी बात और आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम मंच मुहैया कराते हैं और हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि निवेशकों यानी कि आप लोगों को आपका पैसा या घर धोखेबाज बिल्डर वापस नहीं कर देते, क्योंकि ये बिल्डर नहीं दरअसल बदमाश कंपनी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में निवेशकों के सपने लुटे हैं, उनका पैसा लुट गया है और अब वे काम से छुट्टी ले लेकर सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। प्रदर्शन, नारेबाजी और गुहार अब उन निवेशकों की नियति बन चुकी है, क्योंकि उन्हें ठगा है एक ऐसे ठग ने जो बेवजह रजिस्टर्ड है, बाजाब्ता रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन लगता है उन बिल्डर्स के दिन अब लद गए हैं, क्योंकि NCR में बिल्डर्स की मनमानी पर सरकार कड़ा एक्शन लेने की मूड में दिख रही है। बेईमान बिल्डर्स द्वारा निवेशकों को लूटने की समस्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी। बैठक में तीनों अथॉरिटी के CEO और अध्यक्ष बुलाए गए। बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इनके सपने लूटे हैं, इनका पैसा लूटा है और अब काम से छुट्टी लेकर सड़कों पर बैठने पर मजबूर हो रहे हैं। प्रदर्शन, नारेबाजी और गुहार अब इन निवेशकों की नियति बन चुकी है, क्योंकि इन्हें ठगा है एक ऐसे ठग ने जो बजाबता रजिस्टर्ड है। भारत सरकार की कंपनी ऑफ रजिस्टार ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि ये लोग इतने बड़े पेशेवर होंगे। वक्त बदलता गया, धीरे धीरे ये रजिस्टर्ड लुटेरे बिल्डर अपना साम्राज्य बनाते रहे और निवेशक अपनी गाड़ी कमाई के एक एक रुपए जोड़कर बैंक से कर्ज लेकर एक आशियाने का सपना सजोए रहे। लेकिन रजिस्टर्ड लुटेरे बिल्डर ने सुंदर घर का सपना दिखाकर इन्हें सड़क पर ला दिया है। दिल्ली NCR का नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, हर जगह इन लुटेरों ने तबीयत से लूटा है। अब जब पानी सर से ऊपर बहने लगा है, तब योगी सरकार को निवेशकों की सुधाई है। NCR में बिल्डर्स की मनमानी पर सरकार कड़ा एक्शन लेने के मूड में दिख रही है। बेईमान बिल्डरों द्वारा निवेशकों को लूटने की समस्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी। बैठक में तीनों अथॉरिटी के CEO और अध्यक्ष के साथ साथ नोएडा के जिलाधिकारी भी बुलाए गए थे। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में मंत्री समूह ने भी हिस्सा लिया। निवेशकों की समस्या को लेकर हुई बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने भारत समाचार से बात करते हुए कहा कि निवेशकों को घर मिलेगा और बिल्डरों को घर देना ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाह बिल्डर्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 15 साल की जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है बिल्डर बायर की, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शुरुआत की और तीन मंत्रियों का एक समूह बनाया। वो समूह नोएडा गया और 48 घंटे वहां एक्सरसाइज करके जो चीज़ें हमने वहां समझी, क्या बिल्डर की समस्या है, क्या बायर की समस्या है, कहां कठिनाइयां हैं, कहां दिक्कत है, कहां बिल्डर की लापरवाही है, वो सारी चीज़ों को फोकस करके एक रिपोर्ट बना करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उस रिपोर्ट को सौंपा। हमारे तीनों CEO अथॉरिटी के भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बुलाए गए थे, कुछ बिल्डर भी यहाँ थे और गंभीरता के साथ एक एक बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घंटों चर्चा की।
और एक एक बिंदु को समाधान की ओर वो लेकर के गए। और उन्होंने कहा है सारी बातें सुनने के बाद कि 50,000 आवास जो हैं वो 3 माह के अंदर बायर को उपलब्ध कराने होंगे। बेईमान बिल्डरों के खिलाफ भारत समाचार की मुहिम के चलते सरकार को जागना पड़ा है और निवेशकों की व्यथा कथा को सुनने के बाद सरकार गहनी नींद से जागी है। महीनों पहले ये तीनों मंत्री सुरेश खन्ना, सतीश महाना और सुरेश राणा का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था। ये प्रतिनिधिमंडल ग्राउंड जीरो पर भी गए थे, परेशान और बेहिसाब लूटे गए निवेशकों से भी मिले, उनकी समस्याएं भी सुनी पर समाधान नहीं दे पाए। लेकिन अब इनका कहना है कि लखनऊ स्थित एनएक्सी में सीएम के साथ हुई बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो निवेशकों के हक में हैं। जो नोएडा में कई सालों से जो बायर्स की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों ने 60% 70% और 95% तक पैसा जमा किया और ऐसे लगभग 1 लाख से अधिक बायर्स हैं कि जिनको अभी तक मकान का कब्जा नहीं मिला। तो आज जो मोटी मोटी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तय किया है वो यह है कि 50,000 मकानों का कब्जा आगामी 3 महीनों में उनको कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा मेजर फैसला है और जो बिल्डर्स थे उन्होंने भी इसमें सहमति दी है। एक तरफ बेघर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सियासत आश्वासनों की नदी बहा रही है। देखना होगा सरकार द्वारा निवेशकों को दिया गया आश्वासन कितना सच होता है और निवेशकों को उनका मकान मिल पाता है या फिर ये भी सिर्फ राजनीतिक आश्वासन बनकर ही रह जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से निवेशक आंदोलनरत हैं, अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ग्राहक बेहाल है, बिल्डर मालामाल है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दर्जनों ऐसे बेईमान बिल्डर हैं जो निवेशकों की गाड़ी कमाई को हड़प कर मालामाल हो गए। इन बेईमान बिल्डर्स की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अब सरकार को दखल देना पड़ रहा है। बायर्स को जल्द आशियाना दिलाने के लिए यूपी सरकार बिल्डर्स को बेल आउट पैकेज देने की घोषणा कर सकती है। ग्राहक बेहाल है, बिल्डर मालामाल है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में दर्जनों ऐसे बेईमान बिल्डर हैं जो निवेशकों की गाड़ी कमाई को हड़प कर मालामाल हो गए। इन बेईमान बिल्डरों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अब सरकार को दखल देना पड़ रहा है। बायर्स को जल्द आशियाना दिलाने के लिए यूपी सरकार बिल्डरों को बेल आउट पैकेज देने की घोषणा कर सकती है, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इससे सहमत नहीं दिख रहे। अथॉरिटी के अफसरों का मानना है कि बिल्डरों ने अधिकतर बायर्स से पूरा पैसा ले लिया है और इसके बाद भी फ्लैट बनाकर नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बेईमान बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बेल आउट पैकेज दिया गया तो बायर्स में भी खराब मैसेज जाएगा और अथॉरिटी को भी भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बिल्डर प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराने वाले लाखों लोगों को अब तक फ्लैट नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी ओर बिल्डर फंड की कमी की दलील देकर प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार बिल्डरों को बेल आउट पैकेज देने की तैयारी कर रही है। एक तरफ लूटे निवेशक मारे मारे फिर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक थाने से दूसरे थाने तक पुलिस से लेकर अथॉरिटी तक गुहार लगा रहे हैं। सरकार लुटेरे बिल्डरों पर प्यार लुटा रही है, उनकी आर्थिक मदद करना चाहती है। पहले निवेशकों को लूट लिया इन बेईमान बिल्डरों ने, अब सरकार को चूना लगाने में लग गए हैं। अब सरकार इन डकैतों की आर्थिक मदद के तहत बेल आउट पैकेज देना चाहती है, यानी लुटेरे बिल्डरों ने पहले जनता का खून चूसा, अब सरकार का खून चूसने की तैयारी में है। हालांकि बेल आउट पैकेज को लेकर सरकार का इसके पीछे तर्क ये है कि इससे अल्टीमेटली निवेशकों को फायदा होगा, क्योंकि बेल आउट पैकेज देने से पहले बिल्डरों के सामने कुछ शर्त रखी गई है जिसके तहत सरकार बिल्डरों को सशर्त सहायता देगी। जो रियायतें बिल्डरों को मिलेगी उसका फायदा बायर्स को मिले। बिल्डरों का ब्याज जुर्माना माफ होगा तो बायर्स को भी राहत मिले। जितना जीरो पीरियड बिल्डर को सरकार देगी उतना ही समय बायर्स को मिले। प्रॉपर्टी की बड़ी कीमतें खरीदारों से नहीं वसूलेंगे बिल्डर। निवेशकों से अगले 2-3 साल तक ब्याज नहीं दिया जाएगा।
प्राधिकरण बिल्डरों के प्रोजेक्ट में कोर डेवलपर्स को शामिल करने की मंजूरी देंगे। बिल्डरों को रेरा के तहत दो तिहाई खरीदारों से परमिशन लेनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से करीब 2 लाख निवेशकों को फायदा होगा, मगर बिल्डरों पर सरकार की इस मेहरबानी से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसे सरकार कहीं न कहीं प्राधिकरणों से वसूल करेगी या फिर प्राधिकरणों के मत्थे मढ़ेगी। बिल्डरों की आर्थिक मदद में सरकार पर 20,000 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें तीनों प्राधिकरणों पर भी 20,000 करोड़ का खर्च आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण जैसे प्राधिकरणों पर जब पहले से ही 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो आगे की भरपाई कैसे होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और यूपी में बिल्डर्स के द्वारा फर्जीवाड़ा करने के कई मामले सामने आए हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले लखनऊ के पार्थ बिल्डर ने निवेशकों से धोखा किया है। पार्थ रिपब्लिक योजना के नाम पर बिल्डर ने निवेशकों से करोड़ों रुपए हड़प लिए, जबकि प्रोजेक्ट अब भी अधूरा पड़ा है। लखनऊ में कानपुर रोड पर पार्थ का अवैध प्रोजेक्ट है। पार्थ रिपब्लिक प्रोजेक्ट के भीतर कई किसानों की जमीन फंसी है, जिसके तहत 3 तालाब की जमीन भी पार्थ बिल्डर ने हड़प ली है। आरबीआई के नियमों के विपरीत प्रोजेक्ट लॉन्च कर पार्थ रिपब्लिक से अरबों रुपए वसूल लिए गए। आपको कुछ दिखाया जाए या बताया जाए, उससे पहले आप डकैत बिल्डर्स की छत्रछाया में पन रही काया की कुटिल भाषा सुन लीजिए और इस चेहरे को कायदे से अपने दिमाग पर उतार लीजिए। जिन निवेशकों को इस प्रोजेक्ट में 2012 में उनका घर मिल जाना चाहिए था, उन्हें 2017 तक भी क्यों नहीं मिला? अब आपसे ये सोचिए, जब मीडिया से लुटेरे इस तरह से पेश आते हैं तो निवेशकों का क्या हाल होगा? पार्थ इंफ्रा बिल्ड की अनेक आवासीय परियोजना कई शहरों में है। लखनऊ में कानपुर रोड पर बन रही नियोजित आवासीय योजना, कहने को पार्थ रिपब्लिक प्रोजेक्ट ये टाउनशिप लखनऊ में बना रही है और ये पहली स्मार्ट सिटी है। पार्थ इंफ्रा बिल्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी रुद्रा विश्वेक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का रियल एस्टेट वेंचर है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश अजीज नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश, पहले मुहिम चली भारत समाचार की, जागा प्रशासन भी और जागी सरकार भी, मंत्री समूह बना दिया जाता है, वहां वो पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही जेपी बिल्डर पर हंटर चलता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद आनंद फानंद में मीटिंग, अब निवेशक कैसा फील कर रहे हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब 3 महीने में उनको उनका आशियाना मिल सकता है? देखिए प्रज्वल, वाकई जिस तरीके से कल ऐतिहासिक फैसला दिया जो है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उससे कहीं ना कहीं निवेशक खुश हुए और उसका असर, उसकी धमक जो है उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंच गई। जिस तरीके से आज मीटिंग हुई और ये बात कही गई कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है परमिशन देना शुरू कर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पेचीदा सवाल जो है खड़ा होता है कि पहले भी जब यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई थी तो 2 साल के अंदर कहा गया था कि यहाँ परमिशन दिया जाएगा, लेकिन जब ढांचा शुरू नहीं हुआ है, खड़ा काम वहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, तो 3 महीने के अंदर टेक्निकली कैसे जो है परमिशन देना शुरू हो जाएगा? यहाँ पर 50,000 फ्लैट 3 महीने में, जो कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की लोग यहाँ पर तारीफ भी कर रहे हैं कि हाँ, सीएम ने कम से कम जो है इसमें आगे बढ़कर जो है मीटिंग ली और हमारे बारे में सोचा, लेकिन बायर इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट है कि 3 महीने के अंदर 50,000 फ्लैट कैसे डिलीवर कराए जाएंगे बायर्स को। तो बहुत से बायर्स हमारे साथ पज्जवल मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज की मीटिंग से कितना सहमत हैं, ये बताइए क्या लगता है 3 महीने के अंदर कैसे फ्लैट मिलेगा जो आज जो है मीटिंग में कहा गया है? पहले तो मैं भारत समाचार को धन्यवाद देता हूं कि हमारी बायर्स की आवाज को इन्होंने पहुंचा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को भी और अपने तरफ से और अपने सारे बायर की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम नोटिस में लिया, हम बायर की दुख दर्द को समझा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन मंत्री की डेलीगेशन आए पिछले 10-15 दिनों से, और जितने भी डेलीगेशन आ रहे हैं सबके सब आश्वासन दे रहे हैं 50,000 फ्लैट की डिलीवरी जमीनी हकीकत पे कैसे संभव होगा हम लोगों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे जमीनी हकीकत में काम भी शुरू नहीं हुआ है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इस मामले में हम लोगों को बोलने में बहुत असमर्थ हैं। हमें उम्मीद है मोदी जी से और योगी सरकार से कि वो हम लोगों के लिए कुछ करें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखता नज़र नहीं आ रहा।
अब मैं क्या प्रज्वल, उम्मीद है और जिस तरीके से एक शुरुआत करी गई है, भारत समाचार लगातार इसकी मुहिम चला रहा है, शुरुआत करी गई है, उसकी सराहना भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जीरो ग्राउंड पे हमने भी कई जगह इंस्पेक्शन किए, जब काम ही शुरू नहीं हुआ है, तो आखिर क्या कौन सी ऐसी बिल्डर जो है, ये लुटेरे बिल्डर कौन से ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे और 3 महीने के अंदर 50,000 फ्लैट दे डालेंगे? ये बताइए, जिस तरह सरकार कह रही है कि हाँ बिल्डरों को आदेश कर रही है कि हाँ 50,000 जो है फ्लैट देने 3 महीने में, कितना सहमत है? सर बिल्कुल भी सहमत नहीं है, कई जगह तो इनको जमीन ही अलॉट नहीं हुई है, तो वहाँ पे ये कैसे मकान बनाएंगे? कई जगह पे नोएडा अथॉरिटी ने इनको लैंड दी हुई नहीं है और इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए गए हैं, उस केसेस में क्या होगा? ये मैं नहीं मानता हूँ कि भी 50,000 अगर 3 महीने के अंदर दिए जाएंगे तो कैसे दिए जाएंगे, कहाँ से फंड्स आएंगे, कौन को बिल्डर होगा, कैसे बनेगा? रोड मैप नहीं बताया गया है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई जा रही बायर्स को कि हाँ आखिर उनको उनका मकान मिले कैसे, रही बस सख्त निर्देश के, तो निर्देश लखनऊ से चलते हैं लेकिन नोएडा में आते आते उन निर्देशों का दम टूट जाता है। FIR मंत्री जी कह के गए थे कि हाँ FIR कराइए, लेकिन अभी तक एक भी इन डकैत बिल्डरों के साथ ना ही पूछताछ करी गई है और ना ही इनके किसी भी चेले चपाटों से पूछताछ करी गई कि हाँ साहब बताओ कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया कैसे तुमने। तो साहब ये बताइए, अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से आज जो है मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने बैठक ली, संज्ञान लिया आपकी बातों का, तो क्या लगता है कुछ इंसाफ मिलेगा? देखिए सुरेश खन्ना जी की टीम ने, मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री जो क्या रिपोर्ट दी, क्योंकि उन्होंने 2 हफ्ते तक यहाँ पे पूरी रिपोर्ट ली थी और उन रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा था कि 2 साल का समय बिल्डर को हम देते हैं, तो क्या रातों रात कुछ ऐसा मैजिक स्टिक आ गई है योगी जी के पास में या सुरेश खन्ना जी के पास, जहाँ उन्होंने 3 महीने का टाइम दे दिया और बायर्स को बेवकूफ़ बना दिया? वेरोना हाइट्स के बाहर से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 10,000 फ्लैट्स हैं, लेकिन 10,000 फ्लैट्स में अभी कुछ भी तैयार नहीं है, तो क्या 3 महीने में ऐसी जादू की छड़ी है? मैं जापान की टेक्नोलॉजी भी देखता हूँ तो वहाँ पे भी कम से कम 1 साल के अंदर एक बिल्डिंग तैयार होती है, तो इंडिया के अंदर अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं जो 3 महीने के अंदर 10,000 फ्लैट्स को और बायर्स को सेटिस्फाई कर सके और उनको अपना अपना मकान दे सके। सुरेश खन्ना जी से हमें उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड पे योगी जी को अपना दिया होगा, अपने वहाँ पे उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई होगी, लेकिन क्या एक ऐसा लग रहा है कि ये मंत्री योगी जी को जो है सीएम को गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल, सुरेश खन्ना जी ने जो रिपोर्ट दी है उसी के बेस पे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने अपना निर्णय लिया होगा, तो उन्होंने इसका मतलब है कि योगी जी को भी गुमराह करा है और एक गलत रिपोर्ट उनके सामने पेश करी कि 3 महीने में 50,000 फ्लैट और 10,000 वेरोना के बायर्स का फ्लैट तैयार हो जाएगा। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, अगर कोई है तो मुझे सामने ला के दिखाएं और उसको प्रूफ करके दिखाएं, रोड मैप दे के दिखाएं, तो हम कन्विंस होंगे, और लेकिन हम जानते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में। देखिए जीरो ग्राउंड पे जब आप आएंगे तो कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी दिक्कतें हैं कि वाकई जो लखनऊ से आदेश होते हैं या फिर निर्देश दिए जाते हैं। दानिश, जिस तरह का घटनाक्रम तेजी के साथ घट रहा है, जिस तरह से भारत समाचार की मुहिम चलती है, 3 मंत्रियों का समूह बनता है, उसके बाद जेपी पर हंटर चलता है और उसके बाद अब निवेशक क्या कुछ कहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर आपके पास आएंगे। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशियाना का सपना दिखाने वाले जब बेईमान हो गए तो भारत समाचार ने मुहिम शुरू की, और जब मुहिम शुरू की तो उसकी आवाज़ सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, और अब आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी, प्राधिकरण के CEO और अध्यक्ष भी बुलाए गए थे और कई बिल्डर्स भी वहां पर पहुंचे थे, ऐसा कहना था मंत्रियों का। हमारे साथ हमारे संवाददाता नोएडा से लाइव जुड़े हुए हैं दानिश अजीज। दानिश, आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल उस वक्त ये कहा गया जब ये मीटिंग हुई और उसके बाद बाहर निकले तो मंत्री का कहना था कि जो FIR दर्ज हुई है वो उन्हीं की देन है, यानी जो एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचा था उन्हीं की देन है। क्या वाकई FIR दर्ज होने भर से ही निवेशकों को राहत मिल सकती थी? क्योंकि जिस तरह की बात उनका कहना था कि हल्के में मत लीजिएगा, क्या निवेशकों को लगता है कि FIR दर्ज हो गई तो काम हो जाएगा उनका?
देखिए ये बात सही है कि हाँ मंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करो, उसके बाद FIR का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि पहली बार FIR जो है अमृतपाली या JP के ऊपर दर्ज हुई हो, पहले भी FIR दर्ज हुई है, लेकिन ऐसी FIR का मतलब क्या बनता है, मकसद क्या बनता है? जो धाराओं IPC CRPC के तहत जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं FIR के तौर पर, उसमें ना ही गिरफ्तारी आप कर रहे हो, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस FIR का कोई मकसद या कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर बहुत से ऐसे बायर हैं जो बराबर एक SP के पास जाते हैं, अपने आयोग के पास जाते हैं, लेकिन कार्यवाही होती नहीं दिखती। तो भारत समाचार लगातार इस मुहिम को इसीलिए चला रहा है कि नाटक नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और बायर भी रिजल्ट चाहते हैं। ये बताइए कि आपने FIR दर्ज कराई, कुछ असर हुआ मंत्री जी ने जैसा कहा था? सर अभी उसका तो कोई असर नहीं हुआ। पहले तो मैं भारत समाचार को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारी आवाज़, ये हमारी इन्हीं का ही असर है जो हमारी आवाज़ थोड़ी आज सब लोगों तक पहुँची है। और सर बात योगी जी का मैं कहना चाहूँगी, जो आज उन्होंने डिसीजन लिया है। सर एक बात भाई, मैं वेरुना हाइट, मेरा जो है आम्रपाली के वेरुना हाइट में मेरा फ्लैट बुक है, उसमें 34 मंजिला इमारत बननी है। अभी सिर्फ उसका एक फ्लोर भी नहीं तैयार हुआ है, 5 साल मुझे हो गए हैं वेट करते हुए, तो वो 3 महीने में कैसे 34 मंजिला इमारत तैयार कर देगा और 10,000 फ्लैट बना के दे देगा? उसमें 10,000 बायर फंसे हुए हैं और उसका जो 80% 90% पैसा उन्होंने लिया हुआ है, तो किस तरीके से 3 महीने में वो तैयार हो जाएगी? मैं ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ, वो किस तरीके से ये अनाउंसमेंट की गई है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी मीटिंग में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, FIR का जिक्र वहाँ पर किया गया, लेकिन होना क्या है ज़मीनी स्तर पे, जीरो ग्राउंड पे क्या होना है ये बताइए। FIR दर्ज हुई, कोई कार्यवाही हुई या फिर आज जो मीटिंग हुई, इन दोनों को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आप ये समझ लीजिए कि जितने बायर्स हैं सब हताशा में हैं, और सबसे पहले हमारा जो भरोसा था वो बिल्डर ने तोड़ा है, उसके बाद नोएडा प्रशासन ने, उसके बाद अभी सरकार से कुछ उम्मीद बाकी है। मीडिया ने लगातार हमारा साथ दिया है, तो मैं भारत न्यूज़ को समाचार को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ रहे। सरकार से जो उम्मीदें बाकी हैं, तो मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो उम्मीदें बाकी हैं उनको टूटने न दें, क्योंकि ये बायर जो हैं वो हताशा से घिर गए हैं, क्योंकि अभी बहुत भयंकर सिचुएशन में हम आगे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार जो है अनिश्चितकालीन आज 32वां दिन है, अमृतपाली के जो बायर्स हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकारें जागी तो हैं, जो हमारी मुहिम चल रही है बायर्स का जो संघर्ष है उससे जागी तो हैं, लेकिन जो इनको धरातल पे चीज़ें लानी चाहिए, जीरो ग्राउंड पे जो चीज़ उतारनी चाहिए वो लखनऊ से चलती है लेकिन यहाँ उतरती नज़र नहीं आती। शायद यही वजह है कि अभी भी सरकार कन्विंस नहीं कर पा रही है बायर्स को, क्योंकि मकान इनको लेना है, बिल्डर को मकान देना है, और मकान दिलवाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की बन जाती है, क्योंकि सरकार ही जमीन देती है, अलाउ करती है कि जाओ वहां पर बिल्डिंग बनाओ, आराम से बेचो, तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। सरकारों ने वहां से बैठ के मीटिंगें करके इस बात का तो ऐलान कर दिया कि इस तरीके से, इस पैरामीटर से आपको मकान मिलेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो जमीनें हैं जहां पर स्ट्रक्चर खड़ा होना है, जहां पर लोगों को मिलना है मकान, वहां पर आके स्थितियां नहीं देखी गई। शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं CM भी गुमराह हुए, और यही वजह है कि सिर्फ यह कह दिया गया कि 50,000 मकान हर 3 माह में जाएंगे, जो कहीं ना कहीं बायर्स उस चीज को मानने को तैयार नहीं है और उनका आंदोलन भी रुकने को तैयार नहीं है। सर ये बताइए, जिस तरीके से अब मुहिम हमारी चल रही है, सरकार भी जागी है, सरकार ने आज मीटिंग करी है, तो क्या मानते हैं कि आपको अब इंसाफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता अभी जी। जो ये बोल रहे हैं ना, वही जो इन बाकी लोगों ने बोला है 3 महीने के अंदर 50,000 और 1 साल के अंदर सारे के सारे फ्लैट मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। वेरुना हाइट्स में तो वही आलम है, तीन फ्लोर बने हैं, कोई 5 फ्लोर बने हैं, कोई बने ही नहीं है। तो मिनिमम यदि एक फ्लोर यदि आप 1 महीने में खींचते हो तो 34 मंथ्स तो लगने ही लगने हैं, आप जोड़ लीजिए। टेक्निकल फॉल्ट इतना ज़्यादा है पज्जुअल कि उस टेक्निकल फॉल्ट को जो है कैसे गवर्नमेंट सही करेगी, बिल्डर क्योंकि सामने नहीं आ रहा है, अमृतपाली इस तरीके से ऐसा लगता है अंडरग्राउंड हो चुका है, वो अपने ही निवेशकों से मिलना नहीं चाह रहा है, जिनके लिए वो बाकायदा उनको सुबह दोपहर शाम फ़ोन किया करता था कि हमारे प्रोजेक्ट में आ जाइए, हमसे खरीद लीजिए। महिलाएँ यहाँ पर जो है बैठी हैं 32 दिन से। मैम क्या लग रहा है कि कुछ हल हो गई आपकी मुसीबत? नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा है। देखिए कुछ महीने पहले भी योगी जी ने आदेश दिए थे अथॉरिटी को कि बिल्डर और बायर्स के बीच में बात करवाई जाए, मीटिंग भी करवाई गई अनिल शर्मा जी की, उन्होंने प्लान देने के लिए कहा, हालांकि अभी तक आज तक तो उन्होंने कोई प्लान दिया नहीं कि कब तक शुरू होगा। और उसके बाद जो CO साहब और अथॉरिटी वालों ने बायर्स से ठीक से बात भी करना बंद कर दिया कि आपने हमसे पूछकर तो फ्लैट लिया नहीं था, तो योगी जी ने आदेश तब भी दिया था, योगी जी आदेश अब भी दे रहे हैं, लेकिन उस आदेश
सबका कितना पालन होता है और हमें कुछ मिलता है, ये हमें इंतजार है उस चीज का। और अभी फिलहाल इन भ्रष्ट अफसरों की वजह से ही आज निवेशक इस हाल में पहुंचे हैं। अगर शायद ये भ्रष्ट अफसर उस वक्त समझ जाते कि हाँ बिल्डर लुटेरा है, डकैत है, और उसको समय रहते रोक लेते, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी होती है बिल्डर की, लेकिन नजर नहीं रखी गई। आज वो जो घाव था वो नासूर बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, खामियाजा है वो भुगत। बिल्कुल दानिश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन निवेशकों की दर्द, इनका जो बात है हम तक पहुंचाने के लिए। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई में लगातार भारत समाचार आपके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ठग, धोखेबाज, डकैत और लुटेरे बिल्डर्स मानने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत समाचार की मुहिम लगातार जारी रहेगी। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ ऐसे ही बिल्डर्स की कारिस्तानियों के साथ। नमस्कार।